रस चल चखी ओण लोड़ा दे सरूर सदा रखी पलकां ढक के। भाई गुरदास जी फरमान करते हैं आंदे ने अखी वेखना रजियां बहरंग तमाशा। साढ़े सब कोल अखियां हैं वेखदियां भी ने सारा कुछ वेखदियां ने आंदे फिर भी रजदियां ने। की कारण होएगा कि ये रजदियां ने? सोचना तो चाहिए है ना क्यों नहीं रजदियां? किते इदां ते नहीं कि इन्हां अखियां दे विच ही कोई कमी है या फिर ये गल है कि जो ये वेखना चाहुंदियां ने वो इन्हों दिसदा नहीं? की कारण होगा? ते साध संगत जी उस कारण बारे तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी गुरु गुरबाणी च सानू बड़ा ही सुंदर समझाउंदे ने। आंदे ए नेत्रों मेरियो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो। रजियां क्यों ने? क्योंकि वेखना सी उन्हों जिन्हें जोत धरी। आंदे ए नेत्रों मेरियो हर तुम मैं जोत धरी तुहाडे विच जोत धरी गई। पर साध संगत जी केड़ी जोत धरी? अखां दे विच वेखीए ते अखां दे विच ते पाणी है। उन्हां दे पिछे एक अख दा स्ट्रक्चर या उस स्ट्रक्चर दे पिछे नाड़ा ने। जोत किथे है? केड़ी जोत दे नाल देखदा है? आ बाहर दा सारा चित्र केड़ी जोत वेखदी है? इह ते ओह हो गया कि एक मशीनरी है जिहदे पिछे नाड़ा की ने एक सप्लाई दा काम कर दिया। फिर वो जोत किथे है? ते जोत हैगी भी है इदां भी नहीं कि जोत नहीं हैगी। क्योंकि साध संगत जी एक ब्लाइंड बंदा है ना उहदे कोले अखां होंदियां ने पर वह वेख नहीं पाता। क्यों? उहदे च जोत नहीं है। अखां उहदे कोल भी ने पर उहदे कोले जोत नहीं है। कई बार डॉक्टर साहब आख दिंदे ने कि इन्हां दे अखां दी जोत चली गई है हुण चाहे लेंस भी पा लो चाहे अखां बनवा लो चाहे ऑपरेशन करवा लो पर यह वेख नहीं सकता। जदों जोत चली जाए ना उदों अखां मिल जांदियां ने पर जोत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये उन्हें रखे से उदी रखी दोबारा कोई संसार विच रख नहीं सकता। क्योंकि किसी नूं पता ही नहीं उन्हें किवें रखी ते किथे रखी ते वो जोत किहो जी। ते साध संगत जी सारियां कोल ओ जोत है। वडभागियां साडे ते बख्शिश कीती है उस परम पिता परमात्मा ने सानू ओ जोत बख्शी। ते जे इस गल नूं समझिए इस गल दा एहसास करिए ओ एहसास जो तीसरे पातशाह कीता कि ए नेत्रों मेरियो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई। जे जोत धरी तां उहदा मुल की है? उहदे शुकराने वजों कि हर बिन अवर न देखो कोई उहदे बिना होर किसे नूं ना तको। ते साडे वास्ते भी है जे शुकर गुजार हाँ ना कि सानू वो जोत मिली है साडियां अखां दे विच भी वो जोत है। ते फिर वेखना की बनता है? उस परम पिता परमात्मा जिन्हें जोत धरी जोत रखण वाला नजर क्यों नहीं आ रहा? कारण की है? साध संगत जी कारण आ लिव छुड़की लगी तृष्णा ते माया अमर वरता। लिव टुटी किहदे नालों? जिन्हें जोत धरी सी उहदे नालों लिव टुटी। ते फिर जुड़ी किथे? जिधर दी तृष्णा वधी उत्थे लिव जुड़ी। उस परम पिता परमात्मा दी रखी अपनी जोत विच
पर फिर भी वह नहीं दिखता। हर शह वेखी जाने पर वह नहीं वेखता। इसलिए अखियां रज दियां ही नहीं, जो आखते ने ना अखी वेखना रजिया बहरंग तमाशे रज दियां ही। हुण करना की पएगा साध संगत जी, हुण जोत बहाल करनी पवेगी जिदे उत्ते पर्दा लग गया है। उस परदे नू हटाना पएगा ते किदां कीता जावे उहदे वास्ते रिवर्स प्रोसीजर होएगा। रिवर्स किदां? क्योंकि जदों इधर आए ते असी तृष्णा लगी सानू संसार दी ते जोत घट गई। हुण संसार नालों लिव तोड़ के वापस लिव उत्थे जोड़नी पवेगी जिथों पहलां टुटी सी, फिर जाके वह जोत बहाल। आओ असी अपनियां अखां नू आखीए जो तीसरे पातशाह ने सानू समझाया, ये नेत्रों मेरियो हर तुम मैं जोत तरी, हर बिन अवर ना देखो को। अखिए नी अखिए तेरे विच जोत रखिए, अखिए नी अखिए तेरे विच जोत रखिए, नी अखिए नी तेरे विच जोत रखिए, कर साहिब दे दीदारे के। अखिए नी अखिए सोने साहिब दिए सखिए, अखिए नी अखिए सोने साहिब दिए सखिए, नी अखिए नी सोने साहिब दिए सखिए, वसा लै नूर नैनी सद गुणा विच पक के, गुणा विच पक के। अखिए नी अखिए, अखिए नी अखिए लिव रस चल चखिए, नी अखिए नी लिव रस चल चखिए, ओण लोड़ा दे सरूर सदा रखी पलकां ढक के, रखी पलकां ढक के।